जसपुर जिला के पत्थलगांव विकास खंड के सराय टोला मार्केट में टमाटर का आवक इतना ज्यादा हो गया है कि टमाटर के दाम एकाएक गिर गए हैं और किसानों के आंखों से आंसू निकल रही है। सराय टोला मंडी में प्रति किलो टमाटर का दाम एक रुपए तक हो गया है। अब ऐसे में किसान भला कैसे खुश हो सकते हैं, उनके आंखों से आंसू ही निकलेंगे। मंडी में टमाटर का आवक इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ किसान के टमाटर एक रुपए किलो में भी नहीं बिक रही है। व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए व्यापारी किसानों से टमाटर लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि खुले बाजारों में भी टमाटर 3 से 4 रुपए ही बिक पा रही है। किसानों ने टमाटर उत्पादन के लिए जो खर्च किया है, यहाँ तक कि उसको तोड़कर बाजार तक पहुँचाने में जो खर्चा आ रहा है, वह खर्चा भी नहीं निकल पा रही है। 30 रुपए कैरेट टमाटर बिक रही है, और जबकि 1 कैरेट टमाटर को खेत से बाजार तक पहुंचने में गाड़ी के शुल्क 25 रुपए लगता है। लुड़ेंग के टमाटर व्यापारी टमाटर को सस्ते दामों में लेकर टमाटर सास बनाने वाली कंपनियों को बेच रही है। वही टमाटर व्यापारी शशि कुमार अग्रवाल का कहना है, इस साल सीजन में टमाटर से व्यापारी और किसान दोनों को कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से आर्थिक नुकसान हो रही है। गिरी हुई रेट देखकर कई किसान टमाटर को बाजार तक ले जाना भी नहीं चाहते, मजबूरी बस उन्हें टमाटर को तोड़ना पड़ रहा है। यदि टमाटर को नहीं तोड़ेंगे तो जमीन अम्लीय हो जाएगी और जमीन की उर्वरकता में कमी आ जाएगी, इसलिए मजबूर होकर किसान टमाटर को तोड़कर मवेशियों को खिला रहे हैं, तो कई लोग सड़क किनारे फेंक भी रहे हैं। हालांकि साल सीजन में किसानों को कोई खास फायदा टमाटर से नहीं हुई है, लेकिन अन्य सीजन में जब बाहरी आवक होती है तब लोगों को इन टमाटर की दाम से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन दिनों में टमाटर के दाम 50-60 से 80 रुपए तक किलो बिकती है। हालांकि उस समय छत्तीसगढ़ के किसानों की टमाटर बाजार में नहीं पहुंचती और बाहर से टमाटर आते हैं और बाहर के लोग इसका फायदा कमाते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को टमाटर से इस वर्ष आर्थिक नुकसान हुई है। यहाँ जो है हमारे यहाँ पंच जो सरपंच लोग भेजे हैं बोले आपके सराय टोला पंचायत में, यहाँ आप लोग टमाटर का कर देते हैं? हम लोग टैक्स देते हैं 2 रुपया भार। तो 2 रुपया भार, तो आप लोग कितना रुपया भार बेच रहे हो आज टमाटर? आज 40 रुपया भार। 40 रुपया भार में आप बेच लिए, तो 40 रुपये मतलब 30 रुपया क्रेट आसपास। हाँ तो 30 रुपया क्रेट। 30 रुपया क्रेट बता, तो उसमें जो है कितना रुपया गाड़ी वाले को कितना दोगे? 30 रुपया। 30 रुपया गाड़ी वाले को दोगे? हाँ। तो आपका कितना बचा? क्या बचा कल से? फिर टैक्स कहाँ से देते हो? अब टैक्स तो जब गाड़ी 30 रुपया टमाटर बेचते हो, 30 रुपया जो है अपने पॉकेट से देते हैं, टैक्स अपना पॉकेट से दे रहे हो जी। तो आप लोग इनको से सरपंच आपके गांव के सरपंच लोगों को नहीं बोलते हो क्या, पॉकेट से दे रहे हैं टैक्स मत लीजिए? अब क्या बोलेंगे, अब आज तक तो नहीं बोले थे, अब बोलना पड़ेगा। सब निकाल नाम है देना है किन का? नहीं, किस चीज का पैसा ले रहे हो? बाजारी असली है? बाजार असली। आज कितना रुपया है टमाटर? हाँ आप कौन हो, आपका नाम तो बताओ ना, आपका नाम बताओगे? आपका नाम बताओगे? नहीं बताएंगे। कैमरा में दिखाओ जरा इन भाई साहब को, सराय टोला पंचायत से है ना? हाँ। आप कौन है? आप कौन है इस गांव के? पंच हैं। नाम क्या है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह, किस चीज़ का वसूली कर रहा है? बाजार का। बाजार का, तो ये आपको वसूली करने कौन भेजा है? सरपंच मन भेजी ने। सरपंच, सरपंच लोग, आपका सरपंच का नाम क्या है? करमचंद। आपका सरपंच का नाम? करमचंद। करमचंद पैकरा। और एक गाड़ी से कितना वसूलते हैं? किसान से भी वसूली करते हैं क्या? किसान से कितना वसूली कर रहे हैं? 2 रुपया। तो किसान का जो है मुनाफा भी नहीं निकल रहा है, जैसे 30 रुपया आज भार बेचा है लगभग, आप जान रहे हैं इस चीज़ को? तो 30 रुपया जब क्रेट बेचा है, तो 25 रुपया से 20 से 25 रुपया किसान का कहना है कि गाड़ी वाले को दे देता है भाड़ा, तो बचता है 5 रुपया। 5 रुपया में से आप कितना, एक क्रेट में कितना लेते हैं आप? क्रेट हिसाब नहीं लेते हैं, जो भार हिसाब गाड़ी में। किसान से, किसान से, किसान से तो 2 रुपया एक भार में। एक भार में 2 रुपया,
टैक्स लग रहा है, तो किसान का बचा 3 रुपया। तो ये हमारे सराई टोला पंचायत का ऐसा रूल रेगुलेशन है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।